हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे सेफ होंगे स्वस्थ होंगे सो so हमारे घर पे ना आज आ रहे हैं अचानक वाले गेस्ट सौरभ के ताऊ जी के बेटे हैं उनकी जॉब पुणे में लगी है तो वो अपनी फैमिली के साथ आने वाले हैं हमारे यहाँ पे रुकेंगे वो घर पे ना तो ये जो फोर टू फाइव डेज हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे बिजी रहे हैं और मेरे जो व्लॉग्स हैं वो आए भी नहीं आप लोग बोल रहे थे कि मतलब व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही इन पाँच छः दिनों में ना तो घर पर ना कुछ चीज़ें खत्म हो रही थी तो हम लोग वो लेने के लिए आए हैं और यहाँ पर ना इंद्रायणी राइस मिलता है तो वो मैं ले, ले लेती हूँ इंद्रायनी और कोलम क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट राइस की वैरायटी हो जाती है ना तो अच्छा लगता है तो वही अभी हम लोगों ने सोचा कि कुछ चीजें ले लेते हैं घर पे खत्म हो गई थी ग्रोसरी वगैरह करके हम लोग घर पे आ गए थे फिर आके शावर लिया और गुड़िया को भी सब तैयार कर दिया ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है तो वो लोग ना आके लंच करेंगे और मम्मी के पैर में भी ना थोड़ा सा चोट लगी हुई है तो इसीलिए लंच वगैरह का काम फिर मैं ही कर लूँगी तो सिंपल सी दाल और सब्जी बनाएंगे ना अरहर की दाल बनाऊंगी और सुबह को मैंने निर्मला के साथ मिलके ना पत्ता गोभी मटर की सब्जी छोंक दी थी क्योंकि गुड़िया बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है तो अगर पूरा खाना एक साथ सोचो बनाने का तो बहुत बार ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और गुड़िया ना अभी मतलब किसी से फिर बहुत ज्यादा संभलती भी नहीं है वैसे तो पापा जी के पास खेलते रहती है लेकिन जब उसको जिद लग जाती ना तो फिर बिल्कुल भी नहीं मतलब रुकती है तो मैंने ना कुछ तीन चार दिन ऐसे एक व्लॉग में शूट किए हैं एडिट मैं बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल भी टाइम मिला नहीं और मैंने सोचा कि ये चार पांच दिन कैसे बिताए हैं क्या सर्व किया है सिंपल खाना बनाया था वही कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करने वाली हूँ तो यहाँ पे दाल को थोड़ी देर के लिए मैंने भिगा दिया था और भिगाने के बाद ना इनको विसिल लगाने के लिए रखूंगी क्योंकि वो लोग ना लंच हमारे साथ करेंगे और खराड़ी में उन लोगों ने अपना घर लिया है तो बेसिकली अभी घर उनका मिला नहीं है तो इसीलिए वो हमारे साथ कुछ दिन के लिए रुकेंगे तो यहाँ पे राइस को सोख कर दिया है और ये देखिए मैं मुंबई से लेके आई थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी एक फ्लावर वाली थी उनके पास था तो ऐसे ड्राई सी घास मुझे इसका नेम नहीं पता ये क्या है तो घर को थोड़ा सा मतलब ठीक कर दिया तो कुछ चीजें इधर उधर कर दी तो उससे जो घर में चेंजेस है ना हुआ जाता है और ये रिटर्न के लिए रखा हुआ है पार्सल यहाँ पे येलो वाले राइस बनाऊंगी तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया और थोड़ा सा लौंग डाल दिया तो वो लोग आ गए थे तो हम लोगों ने बातें वगैरह की उनकी एक छोटी सी बेटी भी है और वो क्रिशा के साथ काफ़ी खेल रही थी तो क्रिशा ने भी काफ़ी इन्जॉय किया तो बेसिकली कंपनी हो गई थी बच्चों की तो यहाँ पे खुले चावल बनाऊंगी मैं तो पानी गर्म हो गया था यहाँ पे मैंने राइस छोड़ दिए हैं विंटर में ना हल्दी वाले चावल एक तो अच्छे भी लगते हैं फिर दूसरा चावल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है ना तो अगर हम हल्दी डाल के लौंग डाल के चावल बनाते हैं तो चावल की तासीर थोड़ा सा गर्म भी हो जाती है और हमारे यहाँ पे ना पोस्ट दिवाली सब लोग कोल्ड एंड कफ बैड कफ से ग्रसित हैं सबको बहुत ज्यादा कफ हुआ है आप लोग बताइएगा कि आप लोग के सबके कैसे हाल है हम लोगों को तो कफ बहुत बुरा पकड़ा है सौरभ मुझे और पापा जी को इधर मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया था विसल लगाने के लिए तो यहाँ पे बस मैं अभी तड़के की तैयारी करूंगी तो यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल दिया और थोड़ा सा राई ऐड कर दिया है और इसमें हींग ऐड कर दिया है क्योंकि दाल में हींग अच्छा लगता है ना बेसिक मसाले ऐड करूंगी तो उसमें प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि पत्ता गोभी में ऐड कर दिया था और बेसिक मसालों के साथ ना टमाटर डाल के अरहर की दाल बनाऊंगी क्योंकि अरहर की दाल ना मतलब ऐसे सिंपल सी अच्छी लगती है और मैंने आपको पहले ही बताया दाल बनाने के कई तरीके होते हैं और तीनों का ही टेस्ट मतलब अलग आता है या तो दाल टमाटर डाल के मतलब काट के बना लो ऊपर से जीरा का तड़का लगा लो या फिर डायरेक्टली छोंक दो तो वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं तो आज इस वाले मेथड से बना रही हूँ क्योंकि इस मेथड से ना जो अरहर की दाल है वो काफ़ी अच्छी लगती है करी पत्ता भी ऐड कर दिया था तो बस ये जो छोंक है ना दाल मेरी तैयार हो गई है छोंक जैसे ही तैयार होगा तो ऐसे ही दाल में मैं मिक्स कर दूंगी तो सलाद वगैरह कट कर लेंगे रोटी गरम गरम सेक लेंगे तो जो लंच है हमारा सिंपल सा ये हो जाएगा क्योंकि वो लोग ना पिछले तीन चार दिन से ट्रैवलिंग में ही है ड्राइव करके आए हैं डेली से ना तो उन लोगों का मन था कि मतलब खाना ना बहुत ज्यादा सिंपल रखना बहुत ज्यादा मतलब ये मतलब हैवी फूड ना हो तो इसीलिए हमने सोचा कि लंच में तो दाल चावल वगैरह ये सब कर लेते हैं और बोल भी रहे थे कि मतलब घर का खाना खा के मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हो जाता है ना ट्रैवलिंग करके और जब घर का सिंपल खाना खाता है तो अच्छा लगता है तो बस यहाँ पे अभी सब्जी वगैरह गर्म कर लिया और सलाद वगैरह सब कुछ तैयारी हो गई है तो बस अभी जो रोटी सेकने की तैयारी है ना वो करेंगे क्योंकि सब लोग अभी फिर लंच के लिए बैठ ही गए हैं तो अभी डिनर टाइम हो गया है डिनर में ना ये पराठे बनवाए थे मैंने इसमें रागी बेसन गेहूं का आटा लिया था और नमक अजवाइन डाल के ये आटा लगवाया था उनको बहुत अच्छा लगा ये वाले पराठे सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे और डिनर में ना मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी और पता नहीं कैसे मैं वही ढूंढ रही हूँ मेरी जो क्लिप है ना वो मतलब मिस हो गई क्योंकि मैंने सब्जी की रेसिपी शूट की थी और उनको ना सब्जी काफी पसंद भी आई थी बट एनी आप लोगों के साथ मैं शेयर करते रहती हूँ जल्दी ही आप लोगों के साथ ना मैं वो वाली रेसिपी शेयर करूंगी मटर पनीर की सब्जी अच्छे बनकर तैयार हुई थी और अभी तो वैसे भी विंटर सीजन है तो अभी अच्छी अच्छी सब्जियां खाने के लिए मिलेंगी आप लोग भी अपने खाने में बहुत सारी सब्जियां इंक्लूड करना क्योंकि हेल्दी रहती है और ये सीजन ना बेस्ट सीजन होता है ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी मतलब डाइट में इंक्लूड करने का तो यहाँ पे देखिए आटा पहले से लगा के रख दिया है और पता नहीं कैसे यार वो मतलब क्लिप डिलीट हो गई तो बस यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे बात कर रहे थे ये मतलब रिश्ते से मेरी देवरानी लगती है छोटी है तो यहाँ सब बैठ के बस अभी बातें कर रहे थे उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और आई एम रियली सॉरी वो मेरे से क्लिप डिलीट हो गई thank <laughs> you सो नेक्स्ट डे हो गया है और मॉर्निंग है मैं यहाँ पे बस अपना नहा नहा के आई हूँ क्योंकि अभी निर्मला आने वाली होगी ना तो अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है गुड़िया को भी शावर वगैरह सब कुछ दिला दिया है तो आज ना ब्रेकफास्ट में इडली और सांभर बनाने का प्लान है तो जो मेन्यू है ना वो हम लोगों ने पहले से सोच लिया था कि कब क्या बनेगा तो फिर उस हिसाब से हम लोग ग्रोसरी भी करके ले आए थे और फिर ईजी भी हो जाता है ना ये है और ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं किया सिंपल किया और क्योंकि उन लोगों को भी सिंपल खाना खाना था और ये जो ड्रेस गुड़िया ने पहनी है ना ये अनुवित की ड्रेस है तो देखो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है गुड़िया इसमें बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी उस दिन और आजकल बहुत नोटी हो गई है मैं क्या बताऊँ आपको तो बस यहाँ पे सांभर बनने की तैयारी है तो दाल दी थी दाल में लौकी ऐड कर दी है और गाजर ऐड कर दिए है नमक हल्दी और मैं गुड़ और इमली डाल के सांभर बनाती हूँ तो जो वेजिटेबल्स मतलब देर लगेगी तो उनको कुकर में डाल के ऐड कर दिया मतलब इसे लगाने के लिए निर्मला भी आई गई थी आप देख रहे हैं और ये देखो बैटर ना हम लोगों ने घर पे ही बनाया तो बेसिकली जो अब हमारा प्री प्लैंड होता है बैटर हम लोग हमेशा घर पे ही बनाते हैं जब कभी ऐसा होता है कि अचानक से डोसा खाने का मन है तब तो हम इडियोज का मार्केट बोर्ड बैटर लेके आ जाते हैं क्योंकि घर के बैटर का जो टेस्ट होता है ना वो एकदम अलग होता है मार्केट बोट बैटर से ना तो यहाँ पे जो इडली है ना वो सॉफ्ट बने तो इसके लिए थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा है ना वो ऐड कर दिया था और नमक ऑलरेडी हम लोग डाल के इसको पीसते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे तो इधर ना इडली मतलब स्टीम होने के लिए रख देंगे निर्मला को आने में ना आज बहुत ज्यादा देर हो गई तो मुझे उसके साथ लग के ना फटाक से काम कराना पड़ा वैसे मैं हमेशा निर्मला के साथ मतलब काम कराती क्योंकि कुकिंग करना मेरे को भी अच्छा लगता है बट आज ना मतलब उसको कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी तो यहाँ पे मैंने उसको बोला कि तू मतलब चटनी पीसने की तैयारी कर मैं तब तक ये सांभर का जो छोंक है ना वो बना लेती हूँ ऑयल ऐड किया है इसमें राई ऐड किया है करी पत्ता ऐड कर देंगे तो इसमें ना सबसे पहले अनियन ऐड कर देंगे और अनियन जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना तो उसमें जैसे कैप्सिकम और अपना जो बैंगन है वो तो वैसी वेजिटेबल्स जो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते ना वो है ना मतलब ऊपर से फ्राई करके टमाटर वगैरह वो इसमें फ्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद मतलब इसको सांभर में ऐड कर देंगे तो गार्लिक भी ऐड कर दिया था थोड़ा जिंजर भी ऐड कर दिया था क्योंकि एक चीज़ को बनाने के ना बहुत सारे तरीक़े सब का ना अलग अलग टेस्ट आता है तो आपने मेरा सांभर बनाने का मतलब दूसरा मेथड भी देखा ही है जैसे मैं बनाती हूँ तो ये थोड़ा मतलब मेरा अलग मेथड है और मोस्ट ऑफ द लोग बनाते भी होंगे ऐसा नहीं है तो बस यहाँ पे देखो छोंक बन रहा है और इधर जो गुड़िया है वो नोटी नोटी कर रही है उसको आजकल सब चीजें चाहिए होती हैं बेसिक मसाले तो ऐड किए ही हैं बट सांभर मसाले के बिना तो टेस्ट आता नहीं ना सांभर मसाला ऐड कर दिया तो यहाँ पे अगर निर्मला जल्दी आती तो मैं इनको मतलब इसी में ही पकने देती चूंकि निर्मला को आने में बहुत देर हो गई और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था अभी टाइम टेन फिफ्टीन हो रहा है तो इसीलिए ना हमने इसको कुकर में डाल के विसिल लगा दी थी तो उससे भी मतलब ठीक हो गई और क्योंकि सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए थे ऑलमोस्ट और इडली यहाँ पे बनके अपना तैयार हो जाएंगे क्योंकि इडली जब तक स्टीम होगी तब तक हमारा सांभर भी बनके तैयार हो जाएगा तो इधर निर्मला ने जो चटनी की तैयारी है वो कर ली थी इसमें चटनी में उसने नारियल डाल दिया थोड़ा सा पीनट थोड़ा जो ये भुना हुआ चना है वो डाल दिया थोड़ा सा जीरा डाल दिया थोड़ा सा मिर्ची डाल दिया और इसमें खट्टा दही ऐड करेंगे पीसने वक्त ना और थोड़ा सा सोल्ट ऐड कर दिया तो बस ऐसे करके जो हमारी जो चटनी है ना वो मतलब तैयार हो जाएगी इसमें हम ग्रीन आ, मतलब हरा धनिया भी डाल देते हैं तो यहाँ पे देसी घी ले लिया है चटनी की टेम्परिंग के लिए ना क्योंकि बहुत बार ऑयल की ना बास थोड़ा सा मतलब ज्यादा आती है तो हम देसी घी की टेम्परिंग कर देते हैं तो अच्छा आता है चटनी में ना और इधर हरा धनिया ऐड कर दिया और टेम्परिंग के लिए बस करी पत्ता राई और जो साबुत मिर्ची है ना वो ऐड करके आ, मतलब डाल देंगे तो बस सभी लोग अभी आए गए हैं ऑलमोस्ट अभी मैं प्लेटिंग कर दूंगी डाइनिंग टेबल पे सब लग गया है तो कुछ ऐसा आज का मतलब हमारा जो ब्रेकफास्ट है ना वो है और अभी हम लोग अपना जो इडली सांभर वाला ब्रेकफास्ट है वही एंजॉय करेंगे यहां पे ना इन दोनों गर्ल्स को देख के बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि को भी वही करना था जो मतलब ये अमोह को करना था तो काफी अच्छा लग रहा था देख के ना कि गर्ल्स गर्ल्स भी कितने अच्छे से खेलती हैं बैठ के तो यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही है और लंच हमारा काफी सिंपल था सांभर के साथ हम लोगों ने थोड़े से मतलब ऐसे राइस खा लिए थे क्योंकि इडली सांभर काफी लेट हुआ था लंच ज्यादा किसी का खाने का मन नहीं था तो फ्रूट्स वगैरह खा लेते और ये डिनर में पाव भाजी बनने वाली है तो बस यहाँ पे देखो सब वेजिटेबल्स डाल लिए मतलब वेजिटेबल्स डालिए क्या जो बॉईल करने में तो वही अपना आलू गोभी और ये अपना गाजर मटर और ये सब डाल लिया था और फ्राई करने में प्याज ले लिया शिमला मिर्च ले ली और टमाटर और भाजी मसाला तो इनको अच्छे से फ्राई करके और अपना जो भाजी है वो ऐड करेंगे हमारे यहाँ पे ना भाजी बहुत समय बाद बन रही है इनफेक्ट भाजी का मसाला खत्म हो गया था तो फिर मैं और हनी लेने के लिए गए थे जो मतलब मेरी देवरानी है उसका नाम हनी है और यहाँ पे ऐसे कुछ हम लोगों ने अपनी जो भाजी है पाओ के साथ वो इन्जॉय की और ये देखो मिक्स कर दिया अच्छे से तो कुछ ऐसे भी थे हमारे दिन और बीच में कुछ एक दो दिन का मैंने शूट भी नहीं किया क्योंकि कफना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और फिर मतलब ऐसे शूटिंग करने का मन भी नहीं कर रहा था बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी तो so, बस यहाँ पे मैंने सब लोगों को बैठा दिया था और बस मैंने सबके लिए गरम-गरम पाव सेक दी और बस जब सबका ऑलमोस्ट हो गया फिर उसके बाद मैं मतलब बैठ गई थी आ, मतलब खाने के लिए ना तो मेरी जो कुक आती है उसको मैंने बोल दिया था कि मतलब थोड़ा तुम सेक दो क्योंकि जब ज्यादा लोग हो जाता है ना तो इन लोगों से भी काम संभलता नहीं है तो मतलब करना पड़ता है और ये नेक्स्ट डे की क्लिप थी आज से अनवित के स्कूल रीओपन हो गए थे आफ्टर दिवाली ना अनवित के जो स्कूल है आई गेस 24 को ओपन हुए थे आफ्टर दिवाली ना कुछ ऐसे ही था और बस आते वक्त हम लोग फ्रूट्स वगैरह लेके आ गए क्योंकि जो अमोहा है और सबको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो अच्छे फ्रूट्स आ भी रहे हैं तो ले आए और आज लंच में बहुत सारी दालें मिक्स किए हैं वेजिटेबल खिचड़ी बनाने वाली हूँ तो यहाँ पे देखिए इसमें मतलब डिफरेंट टाइप की मैंने दालें ली हैं फ्रूट सब वॉश कर लिए हैं चीकू अच्छा मिल गया था अमरूद देखो कितना बड़ा मिला है एक डेढ़ किलो में तीन ही अमरूद चढ़े थे इतना बड़ा मतलब अमरूद है ये बाकी ये है कि अमरूद का टेस्ट यहाँ पे उतना अच्छा नहीं होता है दिखाने दिखाने का ही अमरूद है दलिया ले लिया है क्योंकि एकादशी थी ना तो चावल नहीं बनेंगे दावल दाल ना मैं भिगा के चले गई थी अनवित को जब लेने के लिए गई थी आई एम सॉरी और यहाँ पे देखो ये बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और साथ में ये है पालक तो ये सब वेजिटेबल्स ना मैंने निर्मला से चॉप करा लिया था और बस मैं अभी जो खिचड़ी है ना वो छोंक दूंगी तो यहाँ पे घी ले लिया घी में अजवाइन और जीरा दोनों ऐड कर दूंगी और ये सारे मसाले ऐड करके जो सब चीज़ें हैं खिचड़ी बना के तवीस का नाम खिचड़ी है ना वो बना के इसमें काफ़ी सारे विसिल लगा लूँगी और बहुत हेल्दी है बच्चों को आप खिलाओ बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है और अब मेरा एक ही है मैं वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा डालती हूँ ना तो उससे टेस्ट बढ़ जाता है उन लोगों को भी बहुत अच्छी लगी ये वाली जो खिचड़ी है ना काफ़ी थी। और ये है फाइनली सैटरडे की क्लिप तो वो लोग आज जा रहे हैं क्योंकि उनको घर की मतलब कीज ना मिल गई थी तो फिर आज उन लोगों को निकलना था और अनवित का इमोशनल ड्रामा ऑलवेज वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है जब सब लोग जाते हैं तो बस कुछ ऐसे बीते हमारे दिन और गेट खुलते कृषा को भी सबसे ज्यादा पहले बाहर जाना होता है तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे ये कुछ दिन कैसे हम लोगों ने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया सो so, कुछ ऐसे थे हमारे ये वाले दिन आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर बाय